हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की इस वीडियो के माध्यम से स्लीपर स्क्वायरिंग कैसे किया जाता है, इसके रिगार्डिंग डिटेल आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। सामने जो पिक्चर दिख रहा है, ये एक टी स्क्वायर है। इसको दीपक बताओ तो, वो टी स्क्वायर हाथ से, हाँ ये उसको टी स्क्वायर बोलते हैं। हाँ, वो टी स्क्वायर हुआ और ये हमारा धागा हुआ, थ्रेड हुआ, नायलन का रहता है। इससे क्या करते हैं अपन, यानी कि इसे इसको स्क्वायरिंग देखते हैं कि स्लीपर जैसे दोनों रेल, लेफ्ट और राइट रेल दोनों में जो है इसको लगा के और सेंटर मार्किंग करते हैं कि कोई स्लीपर जो है कितना भागा हुआ है, चाहे लेफ्ट में भागा होगा या राइट में भागा होगा। तो इससे क्या अपने को पता चलता है, अगर स्लीपर अगर अनस्क्वायर है और कहाँ तक वो खिसकेगा, तो वो मार्किंग चौक से कर देते हैं। देखो चौक से थोड़ा मार्किंग, हाँ यहाँ पे इस प्रकार से अपन मार्किंग कर देते हैं जैसे दिख रहा आपको। तो इसको जो है ये चौक का जो मार्किंग किया हुआ, इसके अनुसार जो है जो ईआरसी जो है इसका सेंटर मैच किया जाएगा। तो क्या है, स्लीपर ये पूरे स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो अनस्क्वायरिंग को स्क्वायरिंग इसलिए किया जाता है ताकि जैसे अगर ज़्यादा गैप हो जाएगा एक स्लीपर और दूसरे स्लीपर के बीच में, तो क्या है रेल का जो लोड होता है वो ज़्यादा एक्चुअली पड़ेगा, बराबर नहीं पड़ेगा अगर अनस्क्वायर रहेगा था। तो इसीलिए स्क्वायरिंग किया जाता है कि बराबर बराबर रेल का जो है लोड जो है ट्रांसफ़र हो, स्लीपर के थ्रू जो है फिर अपना ब्लास्ट पर जाएगा, ब्लास्ट के थ्रू जो है सब ग्रेड में ट्रांसफ़र हो जाता है लोड का। तो बराबर बराबर ट्रांसफ़र हो लोड का, लोड जो है प्रॉपर एनकी से स्लीपर पर पड़े, इसकी वजह से जो है स्क्वायरिंग किया जाता है। तो स्क्वायरिंग का पर्पज़ यही है कि एक्चुअली ये जनरली जो है हॉट जो सीज़न होता है, गर्मी का जो सीज़न होता है उस समय नहीं करते हैं अपन, उस समय बकलिंग वगैरह का चांसेस रहता है। इसीलिए जब टेम्परेचर कम हो तब जो है स्क्वायरिंग वगैरह स्लीपर किया जाना चाहिए, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो यही है स्क्वायरिंग ऑफ स्लीपर। और उसको जो अपना जो टी स्क्वायर जो होता है, ये जो है इसका नाम है टी स्क्वायर। आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से स्क्वायरिंग ऑफ स्लीपर कैसे करते हैं, इसके रिगार्डिंग डिटेल आज के इस वीडियो में आपको समझ में आएगा। अगर आपको चैनल का अच्छा लगता है, जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। धन्यवाद।